हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज अनस सर। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि राइटिंग सेक्शन में अगर सीबीएसई कोई क्रिएटिव क्वेश्चन देता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ लेटर हो चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, तो हम कैसे उसको अप्रोच करें। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सीबीएसई हर बार जब भी क्वेश्चन देता है तो कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन देता है। कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो हमारे आम जीवन का हिस्सा है, जिससे हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए, आप कैसे इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके कैसे आप इस पैटर्न में लिखें कि आपको मैक्सिमम 5 out of 5 मार्क्स आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का जो हमारा थीम है, हम लोग लेटर राइटिंग को लेके समझेंगे। लेटर राइटिंग प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाए, स्पेशली देखिए लेटर राइटिंग तो आप लोग को आता होगा, लेकिन अब ये है कि सीबीएसई हर बार कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स देता है। ठीक है, तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना होगा वो ये होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, इसको पहले आप ध्यान से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये टॉपिक क्या है, इससे हमारे लाइफ में क्या जुड़ा हुआ है, ये आम लोगों को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप दैट एवरी स्टूडेंट शुड डू इज, यहाँ पे इग्नोर करना, शुड केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको ये होना चाहिए कि आप जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जब भी क्वेश्चन मिलता है, एक बार पहले उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्या करना होगा, आफ्टर दैट बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक यू शुड मेक अ माइंड मैप ऑफ दीज पॉइंट्स। देखिए, जैसे अगर मैंने कोई लेटर देखा कि अगर जैसे एक सैम्पल पेपर में था कि आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग ज्वेलरी या स्पैट ऑफ चैंस हो रहे हैं, मतलब लोग ऐसे कोई मतलब बाइकर गिरोह में आते हैं बाइक्स पे और जो लेडीज़ लोग का चेन या बैग को स्नैच कर लेते हैं। ठीक है, स्नैचिंग वगैरह के इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। सो ये क्वेश्चन था एक सैम्पल पेपर में, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ के आपको समझना होगा कि टॉपिक के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ। माइंड मैप का मतलब ये होता है, जब आप टॉपिक कोई भी क्वेश्चन को ऐसे आप देखते हैं तो पहले आप उसके बारे में एक प्लान कर लेते हैं कि अच्छा ये टॉपिक क्या है, ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है, ये सारे पैटर्न को आप अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लेते हैं, एक उसका पूरा एक चार्ट बना लेते हैं, एक आप बोल सकते हैं कि वो एक ब्लूप्रिंट की तरह हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला स्टेप जो ये होता है कि हम अब अपने कंटेंट को प्लान कर लें। कंटेंट यहाँ पर मतलब हो गया, जब मैं लेटर लिखना स्टार्ट करूँगा तो मैं किसको किस पार्ट में ब्रेक करूँगा, पहले मैं क्या डिफाइन करूँगा, उसके बाद के पॉइंट में क्या करूँगा, लास्ट में कंक्लूजन में किस तरीके से दूंगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग ये देखते हैं, आफ्टर मेकिंग माइंड मैप द स्टूडेंट शुड प्लान देयर कंटेंट प्रॉपरली। एक बार आपने देख लिया कि ठीक है चलो चोरी वगैरह हो रहा है, जब भी लेडीज़ वगैरह लोग या जैसे अर्ली मॉर्निंग जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हैं, टहलने के लिए जाती हैं, उस टाइम पे ये इस तरीके के जो गिरोह होते हैं, इस तरह से जो गुंडे बदमाश लोग होते हैं, ये पहले से ही ताक में रहते हैं, दे आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि कब आएँ और कब ये लोग अकेले हों, थोड़ा सा सुनसान एरिया ऐसा टाइप में जाएं और वे स्नैचिंग कर लें। ठीक है, तो ये मैंने इसके बारे में डिफाइन कर लिया कि अच्छा ये बातें हैं इसमें, तो हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करना होगा। आफ्टर दैट प्लानिंग इंक्लूड्स हाउ दे विल प्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स एंड दैट दे हैव थॉट एंड हाउ कैन दे अरेंज देम इन सच ए मैनर दैट इट मेक्स देयर आंसर लुक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। देखिए, जब आप लेटर वगैरह लिखते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपका जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसको आपने कितना बेहतरीन तरीके, कितने अच्छे तरीके से लिखा है। मतलब उसको ऐसा लिखना होगा कि अगर जो एग्जामिनर है उसको पढ़े, चेक करे, उसे लगे कि हाँ इस लड़के ने इसके बारे में काफ़ी अच्छे तर्क दिए हैं, आर्ग्यूमेंट काफ़ी स्ट्रांग दिया है। ठीक है, जैसे कि ऐसे जैसे आप लिख सकते हैं कि जनरली ये लोग पहले से ही देखते रहते हैं कि कौन सी लेडीज़ अकेले हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो जाते हैं तो थोड़े से सुनसान एरिया में जाते हैं, तो ये लोग पहले से उस एरिया को फिगर आउट करके रखते हैं, ये लोग अपना एक एस्केप रूट पहले से ही प्लान करके रखते हैं, यहाँ पर ये लोग वैसे जो जगह पर प्रेफर करते हैं जहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा, यहाँ पे ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ नहीं हो। ठीक है, सो ये इस तरीके से प्लान लिखेगा तो इससे ये होता है कि हाँ काफ़ी स्ट्रांग और पावरफुल तरीके से आपने लिखा है। दे कैन ऑल्सो कोट एनी रिसेंट एग्जाम्पल पॉइंट्स दैट दे आर करेंटली पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर आप कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं कि रिसेंटली इन आवर एरिया ऑल्सो दिस इवेंट दिस इवेंट्स हैव अकर्ड, बट वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सूझबूझ से दिखाया एंड दे वर गॉट। सो अगर आप जैसे पॉल्यूशन पर आ गया, ग्लोबल वार्मिंग पर आ गया, तो आप कुछ ऐसे इवेंट्स जो हमारे सराउंडिंग से जो करंट अफेयर से पार्ट हैं, अगर आप उसको कोट कर देते हो डबल कोट्स अंडरलाइन करके, तो काफ़ी स्ट्रांग मैसेज चल जाता है। मतलब तब एग्जामिनर को ये पता चल गया, ये पूरी तरह साइड हो गया कि बच्चे ने काफ़ी अच्छी से तैयारी की है, काफ़ी अच्छा मेहनत किया इसमें। दे कैन ऑल्सो प्लान टू पुट सम फ्रेज कोट गुड वर्ड्स एंड हाईलाइट एंड अंडरलाइन दम। देखिए, ये बात तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ कि अगर आपने कुछ फ्रेजेज ऐसे लिखे हुए हैं, कुछ ने अपने सुंदर से इंग्लिश वर्ड को याद किया हुआ है, तो जरूर उसको हाईलाइट कीजिएगा ऐसे। ठीक है,
थर्ड प्रेजेंटेशन, एक बार जब आपने माइंड मैप बना लिया, आपने क्वेश्चन भी समझ लिया, आपने माइंड मैप भी बना लिया, आपने प्लानिंग कर लिया, ठीक है मैं ओवरऑल मेरा जो बॉडी होगा इस तरीके से लिखेगा। अब इसका जो लास्ट और फाइनल स्टेप आता है वो है हमारा प्रेजेंटेशन। वंस स्टेप वन एंड स्टेप टू हैज़ बीन डन, द स्टूडेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट राइटिंग द आंसर, बट इट शुड बी डन इन सच ए मैनर दैट इट मेक्स देयर प्रेजेंटेशन लुक वेरी गुड, फ्री फ्रॉम एनी एरर्स इन टर्म्स ऑफ ओवर राइटिंग। देखिए मैं आप लोग को, मैंने चूंकि अभी रिसेंटली बहुत सारी प्री बोर्ड की कॉपियाँ चेक की हैं, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों ने गलती कैसे की है। हालांकि वो अच्छे बच्चे थे, उनसे कोई मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कहता वो गलती करेंगे, बट एक हैबिट बनी होती है। जैसे अगर वो लोग उन्होंने अपना पहले पार्ट स्टार्ट किया, जो अपना एड्रेस होता है, जो सेंडर अपना एड्रेस लिखता है उसका डेट होता है, तो अगर मान के चलिए कि आपने अगर लिखना स्टार्ट किया, ठीक है अब जैसे दिखाता हूँ, कोई एड्रेस अगर ले लेते हैं, लेट से गोरखपुर हो गया यहाँ का एड्रेस, ठीक है तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे यहाँ एड्रेस लिखा, फिर लिखते लिखते वो हल्का से अलाइनमेंट इधर राइट चला गया, इधर राइट चला गया, ऐसे राइट चला गया, ठीक है मतलब अपना सेंडर्स का एड्रेस यहाँ पर लिखा उसने, यहाँ पर डेट दिया, यहाँ पर फिर उसने द एडिटर लिखा। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि अलाइनमेंट काफ़ी प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर आप सीधा लिख रहे हो, जैसे अलाइनमेंट का अगर ये पूरा आप एक अगर आपकी आंसर शीट को इसको मानो, अगर मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया तो ये पार्ट पूरा, ये मैंने मार्जिन लिया है, ठीक है ये मार्जिन पार्ट हो गया, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 था, तो मैंने मार्जिन से यहाँ लिखना शुरू किया, तो अब ये पार्ट में जितना मैं अपना एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, द एडिटर, ठीक है जब मैं लिख रहा हूँ तो ये पूरी तरीके से प्रॉपर अलाइनमेंट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने सब्जेक्ट लिखा, डबल कोट्स में डाल के यहाँ पे पॉइंट लिखना शुरू किया, ठीक है टू द डियर रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है ये पूरा पार्ट एक प्रॉपर कॉलम में होना चाहिए, ये हुआ प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपने यहाँ से रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई, अपना नाम आई सनत प्रतीक, आई हैव बीन विटनेसिंग अ लॉट ऑफ स्नैचिंग इवेंट इन माई एरिया एंड बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स वुमेन इन माई एरिया आर फीलिंग वेरी अनसेफ, दे आर वेरी हेजिटेंट टू, जैसे मैंने पूछ किया हेजिटेंट, तो दे आर वेरी हेजिटेंट, मैंने अंडरलाइन कर दिया कि इससे जो एडिटर होगा, अगर वो एडिटर पर भी, अगर मान लीजिए कि आप रियल लाइफ में एडिटर को लिख भी रहे हो, आपने वो मेन बात ये लिख दिया कि इससे इनसिक्योरिटी और लोग इनहेजिटेंट हो रहे हैं, लोगों के सोसाइटी, समाज सोसाइटी में पीपल इन द वीमेन साइंस सोसाइटी आर फीलिंग वेरी अनसेफ एंड अनसिक्योर, इफ रैंडम पर्सन कैन कम एंड स्नैच देयर प्रीसियस ज्वेलरीज दे कैन डू एनीथिंग ऑल्सो, दे कैन डू इट कैन लीड टू इंक्रीज इन द क्राइम्स ऑफ अदर क्राइम्स ऑल्सो। अब इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब अगर रियल लाइफ में अगर मैं एडिटर भी हो रहा हूँ तो मैं देखूंगा अच्छा ये बात तो बहुत सीरियस इवेंट लग रही है, बात समझ में आया। तो पहले पार्ट में आपने क्या किया, आपने पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया, ठीक है इसके बाद आपने क्या किया है सेकेंड पार्ट, मैंने अपना जो आपका लेटर है ना आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, आपने अपने लेटर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। मैं आपको बताता हूँ क्या, पहले तो आपने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया क्या है आपने, और फिर उसके बाद क्या करो सेकेंड पार्ट में उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करो, और थर्ड लास्ट पॉइंट में जो थर्ड पैरा आप दे रहे होंगे उसमें लास्ट कंक्लूड, सो एट द एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू पब्लिश दिस आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर सो दैट इट क्रिएट्स अवेयरनेस, इट ओपन्स द आईज ऑफ द अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर बॉडीज ऑल्सो, सो दे कैन ऑल्सो ओवरलुक, सो दे कैन ऑल्सो लुक इन टू दिस मैटर एंड टेक द नेसेसरी मेजर, बाई पब्लिशिंग दिस पोस्ट यू विल नॉट ओनली हेल्प मी बट ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस इन द अदर गवर्नमेंट बॉडीज ऑल्सो, अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर पर्सन, सीनियर पर्सन, सीनियर ऑफिसर्स ऑल्सो, एंड इफ दे आर अलर्ट देन द डिपार्टमेंट्स वर्किंग ऑन देम विल ऑल्सो बी अलर्ट एंड द मैटर विल बी हाईलाइटेड एट अ वेरी लार्ज लेवल। अब आपने इतने सुंदर तरीके से इसको लिख दिया, अब डेफिनेटली क्या होगा एग्जामिनर मतलब उस लगे यार ये कितना बेस्ट आंसर आपने लिखा हुआ है, तो इससे आपको क्या होगा, देखिए मेहनत आपका एक बार अगर आपने अच्छे से मेहनत कर दिया तो एग्जामिनर का मेहनत 50-60% वहीं कम हो जाता है, ठीक है। सो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आपको बात समझ में आया होगा कि आप पहले प्रेजेंटेशन अच्छे से मतलब आप प्लान कर लो, पहले सोच लो, अगर आपको उसके बारे में कोई बुक में कभी आपने कहीं टॉपिक पढ़ा था, कहीं कुछ पढ़ा था, आप उसके रेफरेंसेस को भी कोट करो, ठीक है। अगर आपने कहीं न्यूज़पेपर में रिसेंट आर्टिकल लिया, अगर लेट से न्यूज़ में कुछ ऐसा इवेंट हो रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या हमारे लीडर्स ने कुछ ऐसा स्टेप अनाउंस किया, आप उसको भी कोट करो, ठीक है। उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो, देखो अच्छे से सोच तो लिया लेकिन प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो गया। मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने इतने अच्छे अच्छे बच्चों को लिखा हुआ कॉपियाँ देखी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से सोच लिखा बट प्रेजेंटेशन पुअर। अगर द एडिटर लिखे यहाँ से ऐसे द एडिटर, फिर एड्रेस यहाँ पर लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या ऐसे ऐसे तिरछा होते जा रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि आप एक सीनियर स्टूडेंट हो,
और आप ऐसी स्टूपिड सी मिस्टेक्स कर रहे हो तो मार्क्स तो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। और इस तरीके से आप कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको राइटिंग सेक्शन में मिलता है, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे आपको पैराग्राफ राइटिंग हो, चाहे आपको वो लेटर राइटिंग हो, अगर आप इस जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे कीजिएगा तो 100% आपको 5 out of 5 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी कॉपी अच्छी की है, मैंने काफ़ी कॉपी में 5 out of 5 भी देखा हुआ है। देखिए एक बात हम दिमाग से निकालिए कि एग्जामिनर आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में इंटरेस्टेड है। देखिए हर एग्जामिनर ये बात जानता है कि कोई भी बच्चा 100% एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर सकता है। एग्जामिनरी का क्या, कोई टीचर भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। 100% एक्यूरेसी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है दुनिया में। आज तक कोई ऐसा चीज़ नहीं बना जो 100% एक्यूरेट हो। हमेशा कुछ ना कुछ एरर ऑफ मार्जिन, हर जीवन में हर जगह मिस्टेक्स रहते हैं, ये बात हम भी जानते हैं, एग्जामिनर भी जानता है, और वो उसको इग्नोर करके ही चलता है। अगर एक अच्छी सुंदर सी कॉपी मिलेगी तो वो अवॉइड करेगा एक भी मार्क्स काटने के। 5 out of 5 मार्क्स भी आते हैं, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे तरीके से आप आंसर लिख भी पाइएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, कहीं कोई डाउट होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करो। मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। अगर ज़रूरत रहा उससे भी बात नहीं बना तो मैं आपके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर मैं उसके लिए भी बनाऊँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।